अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नाजरीन, ड्रामा सीरियल मान ही सास हूँ मैं, ड्रामे का इंटरेस्टिंग प्रोमो ने शेयर कर दी और मजीद आने वाले एपिसोड में आप लोग क्या देखोगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाजरीन, ड्रामा सीरियल मान ही सास हूँ ड्रामे में आप लोग देखने वाले हो कि नाजरीन यहाँ पर अलीजे जो है वो लेक्चर दे रही होती है। नाजरीन यहाँ पर अरूज को और उसे कह रही होती है कि गालिबन तुम्हारी जो है ट्रेडिशन में रवायात में यहाँ पर ये रिवाज है कि यहाँ पर अगर जिस औरत को जो है वो औलाद नहीं होती यहाँ पर उसको जो है वो घर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, तलाक भी दे दी जाती है। जब नाजरीन ये बहुत ज़्यादा तल्ख अंदाज में कहती है नाजरीन जो लीजे, जिसके बाद नाजरीन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। नाजरीन यहाँ पर अरूज और नाजरीन काफ़ी ज़्यादा टेंशन के साथ इसे जो है वो शायद बातें भी सुना दे, इसे आगे से मुँह तोड़ जवाब भी दे। आप लोगों को लगता है ज़रूर सब बताएगा। और दूसरी जानब आप लोग देखने वाले हो सलमान की माँ जो है हर वक्त का यहाँ पर कह रही है कि यहाँ पर वो अरूज जो है हमें बच्चा नहीं दे सकती, और नाजरीन जिसकी वजह से यहाँ पर परेशान आकर सलमान कह देता है अम्मी मैं जो है वो बच्चा अडॉप्ट कर लूंगा, जिसके बाद नाजरीन एकदम से शॉक्ड होकर उठ पड़ेगी यहाँ पर सलमान की माँ महरीन और कहेगी कि यहाँ पर तुम पागल हो गए हो, किसी और के बच्चे को हम पालेंगे। जिसके बाद नाजरीन पीछे से जो है यहाँ पर अलीजे भी उठ पड़ती है और कहती है कि यहाँ पर तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, अजीब सी बातें कर रहे हो सलमान। जिसके बाद सलमान यहाँ पर ये बातें करके वहाँ से निकल जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। और आते सारे नाजरीन रोज काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठी होगी, जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर यह अरूज से पूछेगा और कहेगा कि यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी कोई भी बदनसीब नहीं हो। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर आगे से अरूज कहती है कि यहाँ पर मैं जो है कभी भी बच्चे की माँ नहीं बन सकती, तो यहाँ पर तुम कह रहे हो कि यहाँ पर मैं बिल्कुल भी जो है वो बदनसीब नहीं हूँ। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसे समझाएगा सलमान, और इसके साथ साथ नाजरीन यहाँ पर अरूज की माँ भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होगी कि यहाँ पर जो है बेअलादी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इबरतनाक होती है और यहाँ पर इस मराहल से गुजरता है बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल होती है। और नाजरीन काफ़ी ज़्यादा जो है नाजरीन अरूज का बाप भी जो है वो भी टेंशन में होता है, और नाजरीन यहाँ पर वो अपनी बीवी को समझाएगा क्योंकि नाजरीन ये भी बे औलाद है यहाँ पर, इन्हें जो है अरूज कहीं से मिली थी वो आपको पता ही है, शुरू में आप लोगों ने देखा होगा। और नाजरीन महरीन यहाँ पर जो है वो बैठी होती है और नाजरीन सलमान यहाँ पर अरूज और सब लोगों को इकट्ठा कर लेती है और कहती है इधर आओ। जिसके बाद ये जब आते हैं तो नाजरीन यहाँ पर यह कह देती है साफ साफ महरीन कि यहाँ पर तुम जो है इसको जो है वो शह तलाक दे दो, या फिर ये कह देगी कि यहाँ पर तुम जो है इसे रहना तो रहने दो लेकिन यहाँ पर तुम्हारी जो है अब दूसरी शादी होगी। जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर सलमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में आ जाएगा, रोज भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में आ जाएगी, और नाजरीन यहाँ पर जो असल माँ है यहाँ पर सलमान की नाजरीन वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में आ जाएगी। और नाजरीन यहाँ पर सलमान जो है नाजरीन वो वैसे थोड़ा सा डट के आगे से मुकाबला तो करेगा अपनी माँ का, लेकिन नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है कि रोज इस जो है सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर सकेगी और नाजरीन यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर मना सकेगी अपने बेटे सलमान को। नाजरीन महरीन और नाजरीन काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा खुश होगी लीजिए कि यहाँ पर मेरे जो है सारे के सारे प्लान कामयाब हो रहे हैं और यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा, और नाजरीन यहाँ पर अब और ज़्यादा वो खुश होगी, इस सबको सेलिब्रेट करेगी। लेकिन नाजरीन यहाँ पर साफ साफ सलमान जो है वो अपनी जो है अरूज को भी कह देगा कि यहाँ पर कोई भी मुझे जो है वह इस तरह से फोर्स नहीं कर सकता, यहाँ पर मेरे इरादे के बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अरूज और ज़्यादा रोएगी और नाजरीन जिसके साथ साथ यहाँ पर इसे वैसे इत्मीनान में तो ले लेगा यहाँ पर सलमान, लेकिन नाजरीन फिर भी यहाँ पर अरूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होगी। जिसके बाद अपनी दोस्त इसकी शायद इसके पास आएगी और वो यहाँ पर इसे कहेगी कि यहाँ पर मेरी जो है वो माँ की एक दोस्त है गायनेकोलॉजिस्ट, जिसके पास जो है वो मैं टाइम लेकर जो है तुम्हें बताऊँगी और तुम वहाँ पर चली जाना, और जो है वो सेकेंड ओपिनियन तो बनता है ना। जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश हो जाएगी अरूज और नाजरीन यहाँ पर, जिसके बाद जो है ये सब कुछ सोने लेगी। यहाँ पर एक ही है अलीजे और नाजरीन, जिसके बाद यहाँ पर वो इसका भी कोई ना कोई जो है वो तोड़ निकालने वाली है, किसी न किसी तरह से या तो जाने से रोक लेगी या फिर नाजरीन वहाँ पे भी यही तिगड़म अपनाएगी, वहाँ पे भी पैसे दे के कुछ ना कुछ कर लेगी। और नाजरीन यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें जब तक ये रिजल्ट नहीं आता उससे पहले पहले शायद ये हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कुछ करके यहाँ पर जो है आयजा अपने आप को मनवा ले, यहाँ पर अपनी जो है वो शादी की सारी तैयारियां कर ले, रेडी हो जाए। और नाजरीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सलमान ना माने, लेकिन नाजरीन महरीन यहाँ पर जो धमकियाँ देने में माहिर है तो नाजरीन वो धमकियाँ देती रहेगी और नाजरीन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा शायद ये भी हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा डांटा जाए यहाँ पर अरूज को, जिसके बाद अरूज कहे कि यहाँ पर सलमान आप जो है वो दूसरी शादी कर ही लें, जिसके बाद नाजरेन ये बहुत ही ज़्यादा जो है इसे डांटे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन नाजरेन बाद में यहाँ पर वो मान भी सकता है। और जिसके बाद नाजरेन जब शादी की तैयारियाँ वगैरह चल रही होंगी, यहाँ पर इनका निकाह वगैरह होने लगेगा, उससे पहले पहले यहाँ पर यह अलीजे वाला शायद हो सकता है मामला या तो एक्सपोज हो जाए, या फिर नाजरेन यहाँ पर ये हो सकता है कि वो ना एक्सपोज हो और नाजरेन जिसके बाद यहाँ पर इसे पता चले कि ये तो माँ बन सकती है और वो दूसरे जो डॉक्टर थे यहाँ पर वो फ्रॉड ये थे, और नाजरेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अरूज जो है वो परेशानी के आलम में हो गया, यहाँ पर ये सब कुछ जो है वो मुझसे क्या हो गया, और यहाँ पर महरीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से भी खुश होगी यहाँ पर ये जो है वो माँ बन सकती है और इसे जो है वो रख लेगी, और यहाँ पर जो है वो इधर से भी खुश होगी कि यहाँ पर अलीजे जो है उसकी जो है वो मनपसंद जो है वो बहू बन गई है। लेकिन नाजरीन अलीजे यहाँ पर और ज़्यादा जो है थर्ड डिग्री पर रखेगी यहाँ पर हमारी महरीन को, और नाजरीन इसे तब पता चलेगा कि अच्छी बहू क्या होती है और बुरी बहू क्या होती है जब यहाँ पर सलमान को ये अपनी तरफ ले लेगी। लेकिन नाजरीन सलमान की पहली मोहब्बत अरूज ही है और नाजरीन वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, लेकिन नाजरीन फिर भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को यही दिखाया जा सकता है कि अलीजे कुछ ना कुछ करके इसे अपनी तरफ ही करती रहेगी, और नाजरीन यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर अब जब ये सचमुच की माँ अरूज बनने वाली होगी तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रोड़े अटकाने की कोशिश करेगी अलीजे, यहाँ पर ये बच्चा इस दुनिया में बिल्कुल ना आए और यहाँ पर मैं अयशी से यहाँ पर सब कुछ जो है वो करती रहूँ आहिस्ता आहिस्ता, और नाजरीन यहाँ पर इसमें जो है वो कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा तिगड़म अपनाएगी, यहाँ पर इसे गिराना चाहेगी, बहुत ही ज़्यादा कुछ करना चाहेगी। लेकिन नाजरीन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के, यहाँ पर वही होगा कि यहाँ पर बच्चा जो है शायद सही सलामत जो है इस दुनिया में आ जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बाय चांस यहाँ पर इसका तुक्का लग जाए और नाजरीन इसमें ये कामयाब हो जाए। लेकिन नाजरीन जब यहाँ पर ये पकड़ी जाएगी तो नाजरीन इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होगा, और नाजरीन वो शायद डॉक्टर ही हो सकती है जो कि यहाँ पर इसके पास आकर अरूज को सब कुछ खुद ब खुद बता दे, और यहाँ पर नाजरीन यहाँ पर इधर से अरूज को भी जो है वो पता चल जाएगा यहाँ पर कि महरीन ही मेरी असली माँ है। उसके बाद नाजरीन ये भी बात शुरू हो जाएगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन नाजरीन ये मानने को ही नहीं तैयार होगी, और जब शाइस्ता को पता चलेगी जो कि सलमान की असल माँ है तो नाजरीन यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी कि जिस लड़की को यहाँ पर मैंने जो है फेंका था कहीं दूर, यहाँ पर वो वापस इसी ज़िंदगी में आ गई है, तो शायद यहाँ पर वो दोबारा से नफ़रत करना शुरू कर दे, या फिर ये हो सकता है कि वो नफ़रत ना ही कर सके। आप लोगों को क्या लगता है, इसकी फुल स्टोरी वाली वीडियो जो है अगर चाहिए तो लाजमी से बताइएगा, हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। और ये थोड़ी सी हमारी प्रेडिक्शन भी थी, वीडियो से लगे दोस्तों को सब्सक्राइब कर देना, सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।